गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ टुडे इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन आंसर सम ऑल्सो है ना. जस्ट बैक वीडियो वन वीडियो ऑल्सो रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर एंड सेकेंड वीडियो रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड दिस वीडियो इज द लास्ट फॉर दिस चैप्टर. आफ्टर दिस है ना स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लाइट. इसके बाद मैं एक नया चैप्टर लूंगा लाइट द वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ना फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइट. तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हम. और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा ठीक है. तो देखिए फर्स्ट नंबर गैसियस फ्यूल आर द बेस्ट फ्यूल. कहता है गैसियस फ्यूल जो है वो बेस्ट फ्यूल होता है बिकॉज दे है लो इग्निशन टेम्परेचर. बहुत सारा रीजन है लो इग्निशन टेम्परेचर हाई कैलोरीफिक वैल्यू और भी रीजन है हाई इजिली ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह हाई कैलोरीफिक वैल्यू. बहुत सारा रीजन है जरूरी नहीं है कि दो ही रीजन है हाई कैलोरीफिक वैल्यू ठीक है. चलिए अगला डॉट 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 टाइप्स ऑफ फ्यूल गिव्स मैक्सिमम स्मोक. तो सॉलिड सॉलिड टाइप ऑफ फ्यूल सबसे ज्यादा स्मोक देता है. फ्यूल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फ्यूल इज नोन एज ये हो जाएगा आर्टिफिशियल फ्यूल. जो नेचुरल फ्यूल से हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल या इसी का दूसरा नाम है प्रोसेस्ड फ्यूल है ना. फ्यूल व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फ्यूल जो नेचुरल फ्यूल से हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल. जैसे कोक कोक कोयला से कोक मिलता है आपको जो है कोयला को जलाने से चारकोल वुड चारकोल लकड़ी को जलाने से. तो जो नेचुरल फ्यूल से मिलता है उसको बोलते हैं आपका क्या आर्टिफिशियल फ्यूल या प्रोसेस्ड फ्यूल. द सबस्टांस जनरली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हीट इज नोन एज जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए वह सबस्टांस जो यूज किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए कॉल्ड क्या नोन एज फ्यूल. द सबस्टांस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हीट जो हीट उत्पन्न करने के लिए यूज होता है उसको फ्यूल कहते हैं. मिक्सचर ऑफ मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड इज नोन एज बायोगैस. इज नोन एज क्या बायोगैस है ना ठीक है. ये सबका मिक्सचर आपका क्या कहलाता है बायोगैस कहलाता है ठीक है. दरमे कहा यहां द डिवाइस यूज टू प्रिपेयर बायोगैस इज बायोगैस प्लांट. जो बायोगैस यूज करने के लिए यूज होता है वो होता है बायोगैस प्लांट. द रिमेन्स ऑफ सुगर केन इज कॉल्ड बैगैस. सुगर केन्स का जो रिमेन्स है मतलब बचा हुआ वो कहलाता है आपका क्या बैगैस कहलाता है. द रिमेन्स ऑफ सुगर केन सुगर केन का बचा हुआ भाग इज कॉल्ड बैगैस. जैसे आप लोग गन्ने का जूस पीते हैं ना तो गन्ने का जूस जो है निकाल कर जो बच गया उसी को बैगेस बोलते हैं. गन्ने का जूस पिए तो उसके बाद जो बच गया उसमें लकड़ी टाइप का पार्ट वही आपका हो गया बैगेस. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज नोन एज है ना. अच्छा यूनिट मास मतलब 1 ग्राम. यूनिट मास कहने का मतलब क्या हो गया 1 ग्राम. तो 1 ग्राम को जलाने पर जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं क्या कैलोरीफिक वैल्यू. यूनिट मास का मतलब क्या हो गया कैलोरीफिक 1 ग्राम. यूनिट मास मतलब 1 ग्राम को जलाने पर है ना. यूनिट मास कहने का मतलब 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर. तो 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. अब देखिए अगला सवाल है थ्री डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल. तो ये तो मैंने लिखा दिया था आपको तो आप खुद से लिख लीजिएगा. आपसे देखिएगा वीडियो अपलोडेड है इसका थ्री डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल. मैंने वीडियो अपलोडेड कर दिया है ठीक है. तो ये आप खुद से कर लोगे या फिर मैंने छोड़ दिया. अगला है सवाल नेम था थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल. देखिए फ्यूल को क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में किया गया है. पहला किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी है ना. तो कहता नेम द थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल है ना. नेम द थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल. थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल गिव ओनली चार्ट. केवल चार्ट देना है डिफाइन वगैरह नहीं करना है. गिव ओनली चार्ट का मतलब केवल बताना है डिफाइन वगैरह उसे नहीं करना.
तो तीन क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, फिजिकल स्टेट पर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल, ऑरिजिन पर नेचुरल फ्यूल जिसको रॉ फ्यूल भी कहते हैं, कच्चा फ्यूल, आर्टिफिशियल फ्यूल जिसको प्रोसेस्ड फ्यूल भी कहते हैं, और अवेलेबिलिटी पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल। देखिए अगला क्वेश्चन, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज, है ना, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इंपॉर्टेंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू का कुछ गुण लिखना है, है ना, कैलोरीफिक वैल्यूज का आपको कुछ गुण लिखना है। तो देखिए मैं लिखा रहा कैरेक्टरिस्टिक यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, क्या पहला कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज द मेजरमेंट ऑफ यूजफुलनेस ऑफ फ्यूल, ये यूजफुलनेस कितना फ्यूल यूजफुल है कितना यूजफुल नहीं है कैलोरीफिक वैल्यू पर डिपेंड करता है, ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू देन बेटर फ्यूल, अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो बेटर फ्यूल है, कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो लो क्वालिटी फ्यूल है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब इंपॉर्टेंस हुआ कैलोरीफिक वैल्यू का, तो कैलोरीफिक वैल्यू से हमें यूजफुलनेस पता चलता है फ्यूल का, फ्यूल कितना यूजफुल है ना, इससे पता फ्यूल कितना यूजफुल है यूजफुल नहीं है इसका पता हमें चलता है कैलोरीफिक वैल्यू से, तो ग्रेटर फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू है यानी बेटर फ्यूल है, फ्यूल का ग्रेडेड भी किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू पर, तो यह हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, फ्यूल इज ग्रेडेड ऑल्सो ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, ग्रेडेड भी किया जाता है फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू पर। अगला सवाल है डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल चूल्हा एंड स्मोकलेस चूल्हा, तो ये मैंने आपको वीडियो अपलोडेड कर दिया है, आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। 19 है फिल इन द ब्लैंक, द कंटेमिनेशन मतलब मिश्रण, मिला जुला, कंटेमिनेशन मतलब होता है मिश्रण यानी मिल गया, किसमें एयर का, विद डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस इज डन एज एयर पॉल्यूशन, ये हो जाएगा एयर पॉल्यूशन, ठीक है, कंटेमिनेशन मतलब मिश्रण ऑफ एयर, एयर का मिश्रण किसके साथ, एयर का मिल जाना किसके साथ, डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस इज डन एज एयर पॉल्यूशन, ओवरऑल बर्निंग पॉल्यूट्स एयर, कोयला जलने पर एयर पॉल्यूट होता है किसके द्वारा, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कोल ऑन बर्निंग, ठीक है, कोल ऑन बर्निंग यानी कोयला को जलने पर पॉल्यूट्स द एयर, एयर प्रदूषित हो जाता है स्मोक के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एंड सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड मेक्स ब्लड इनकैपेबल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्लड को इनकैपेबल कर देता है ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, सब मैंने बता दिया है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, हाँ, ये मैंने आपको पॉइंट लिखाया है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले लिखा दिया है, ठीक है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के कारण में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड से क्रिएट करता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है जिसके कारण बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता है, तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के कारण इनकैपेबल जब कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के कारण। अगला है डॉट आर पॉल्यूट्स फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड पेट्रोल इन कंबस्टेबल गैस इंजन, तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा जी, हाइड्रोकार्बन और लिखा है ना, तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन जो है पॉल्यूट्स करता है जो कि पेट्रोल के जलने से होता है इन कंबस्टेबल इंजन में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो है आर पॉल्यूट्स आर द पॉल्यूट्स फॉर्म्ड, हाइड्रोकार्बन जो है आपको पॉल्यूट्स यानी प्रदूषित करता है ना, हाइड्रोकार्बन आर द पॉल्यूट्स, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आर द पॉल्यूटेंट्स, आर द पॉल्यूटेंट्स हो जाएगा, फॉर्म्ड बाई बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन कंबस्टेबल इंजन, अब हाइड्रोकार्बन लिखे आप सल्फर डाइऑक्साइड लिखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड तो भी गलती नहीं होता क्योंकि वो भी पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट, लेकिन यहाँ पर लिखा है पॉल्यूटेंट्स पॉल्यू, तो पॉल्यूटेंट्स आप बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिएगा पॉल्यूटेंट्स लिखा गया है, ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स मतलब हो गया बहुत सारा, ठीक है, क्या हो गया बहुत सारा,
तो बहुत सारा में ढेर सारा हाइड्रोकार्बन उसमें बनता है। हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था, कार्बन एक वीडियो में मैंने दिया था कोल पेट्रोलियम में, बहुत सारा उसमें जो है हाइड्रोकार्बन बनता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन देना बेटर रहेगा क्योंकि पॉल्यूटेंट्स है, प्लूडल। तो कोल पेट्रोल के जलने से होता है कम्बस्टेबल इंजन में, कम्बस्टेबल इंजन में पेट्रोल के जलने से हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट्स बनता है। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द वेरियस पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल। कोयला के जलने से अलग अलग वेरियस का मतलब होता है अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के एक्सप्लेन कीजिए। तो पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, है ना, जरा जरा। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर नहीं किया आंसर में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो सबको वन बाई वन आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है, सबको वन बाई वन आप एक्सप्लेन करोगे। ऐसा नहीं है कि जो है बस मैंने यहाँ पर कंप्लीट आंसर नहीं लिखा, क्वेश्चन का एक्सप्लेन या डिटेल में थोड़ा इसके बारे में बताना है। वेरियस पॉल्यूटेंट फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, कोयला के जलने से अलग अलग पॉल्यूटेंट्स जो का जो एक्सप्लेन करना है, तो पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, तो सबको आपको एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, वीडियो अपलोडेड कर दिया है, ठीक है। अगला सवाल है, डिस्कस टू इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ पेट्रोल। अब पेट्रोल के जलने से दो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, है ना, ये पेट्रोल के जलने से पॉल्यूटेंट्स होता है। तो ये सब आता है, कोयला के जलने से आपको पॉल्यूटेंट का नाम बताना था, इसमें क्या पेट्रोल के जलने से आपको, पेट्रोल के जलने से जो है आपको बताना है पॉल्यूटेंट्स, पेट्रोल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, इसको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है इस पर, मतलब इसके बारे में कुछ बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है इसमें, डिस्कस करना है इसके बारे में, थोड़ा बताना है, एक्सप्लेन करना, कोई नहीं कि बस ये लिख दिया आंसर हो गया, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा दोनों का, ठीक है। कुछ और बचा हुआ क्वेश्चन, द टर्म ग्रीन हाउस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, सबसे पहले ये जे फॉरियर, सबसे पहले ग्रीन हाउस जो है आपको टर्म यूज किए थे कौन, जे फॉरियर, है ना, ये मैं ये भी मैंने वीडियो में सब बताया, सब रिविजन करवा रहे हैं जी, सब बताया हुआ है। इनक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इनक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, तो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज इन किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज ड्यू टू हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर कम में बढ़ जाना किसके कारण, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। द टर्म एसिड रेन इज यूज बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना, रॉबर्ट एंगस, देखिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रॉबर्ट एंगस, सब लिखाया हुआ है, सब बताया हुआ है, टर्म ग्री आपका जो यूज किए थे ये एसिड रेन किनके द्वारा यूज हुआ था, रॉबर्ट एंगस के द्वारा, याद करना पड़ेगा थोड़ा। इंपॉर्टेंट गैस भी चीज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, तो इंपॉर्टेंट गैस जो मेनली रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कंजम्पशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम वाज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन क्या, पॉपुलेशन, हाँ जी, सबसे बड़ा रीजन तो पॉपुलेशन ही है, जितना भी पॉल्यूशन है सबका रीजन पॉपुलेशन है, तो कोल और पेट्रोलियम की खपत का में बढ़ोतरी, इंक्रीज मतलब बढ़ गया किसके कारण, इंक्रीज इन पॉपुलेशन के कारण। डिप्लेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कॉल्ड एनर्जी क्राइसिस, ये तो कितना बार मैंने रिपीट किया होगा कोल और पेट्रोलियम चैप्टर में भी। स्मोकलेस चूल्हा सेव द एनर्जी, स्मोकलेस चूल्हा एनर्जी को सेव करता है, कैसे, क्योंकि स्मोकलेस चूल्हा में कंप्लीटली कंबसन होता है, स्मोकलेस चूल्हा में कंप्लीटली कंबसन होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है, ठीक है, इसलिए स्मोकलेस चूल्हा और एनर्जी को बचाता है। कंप्लीटली कंबसन होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी बचाएगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल चूल्हा होता है उसमें 10% से ज्यादा एनर्जी बर्बाद चल जाता है, ट्रेडिशनल चूल्हा में 10% से ज्यादा एनर्जी लेकिन इसमें बर्बाद नहीं जाता है, तो एनर्जी बचाता है। अगला सवाल है, नेम द वेरियस गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन गैस रेस्पॉन्सिबल है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए तो मैंने बताया था ये बहुत सारे गैसेस रेस्पॉन्सिबल है ना, CO2 तो सबसे पहला हो गया, है ना, इसका आंसर लिखना चाहे तो यहीं पर मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहला तो CO2 हो गया,
CO हो गया, SO2 हो गया, है ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ये सब ठीक है। लेकिन मेनली रूप से कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मेनली रूप से आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन भी है, मेथेन भी हो जाता है, जगह बना देता हूं, मेथेन भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मेथेन भी आपका रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेथेन, क्लोरो क्लोरो कार्बन, है ना। लेकिन मेनली रूप से कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पूछ रहा है, नेम द वेरियस गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल गैसेस का नाम लिखना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल गैसेस है नाम लिखना है। तो CO2 CO2 सब है, लेकिन मेनली रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल, भाटी जैसी ड्रेन सब मैंने बता दिया है, डिस्कस हार्मफुल इफेक्ट, तो ये भी हार्मफुल इफेक्ट भी बता दिया इसका, एसिड रेन क्या है और इसका हार्मफुल इफेक्ट सब बताया हुआ है, लिखाया हुआ है, खुद से लिख लीजिएगा। भाटी जैसी ड्रेन एक्सप्लेन, ये भी बताया हुआ है, दोनों तो एक ही क्वेश्चन है जी। इसमें केवल डिफिनेशन लिखना है, इसमें एक्सप्लेन करना है। इसमें भाटी जैसी ड्रेन का डिफिनेशन केवल लिखना है कि वाटर कम्स, है ना, एसिड कम्स टू रेन ड्यूरिंग रेनफॉल ऑन अर्थ कॉल्ड एसिड रेन। अगर पूछेगा केवल भाटी एसिड, तो ऐसा करता हूं मैं एसिड रेन का यहां पर लिखा देता हूं, है ना, इफ एसिड कम्स विद वाटर कम्स विद रेन ड्यूरिंग रेनफॉल, एसिड कम्स विद वर्षा के साथ आती है ड्यूरिंग रेनफॉल, है ना, ऑन अर्थ इज कॉल्ड एसिड रेन। इसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, है ना, वर्षा के साथ आती है, इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो इसमें केवल डिफाइन करना, इसमें एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन मतलब एसिड रेन कैसे होता है, कि कोयला कोल पेट्रोलियम जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ये वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाता है, कम्स विद रेन ऑन अर्थ कॉल्ड एसिड रेन। तो इसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया, आप देखिएगा वीडियो अपलोडेड है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल, है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी पता है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो उसके बारे में मैंने बता दिया, व्हाट आर लिखा है तो प्लूरल बना के लिखना है, व्हाट आर है तो द सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लिखना है, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि व्हाट आर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल बना के ही लिखना पड़ेगा आपको। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी व्हिच आर बीइंग कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड इन नेचर, जो नेचर में लगातार बनते रहता है और रीजेनरेटेड फिर से उसको बनाया जा सकता है, आर कॉल्ड, है ना, ठीक है। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपका क्या है, व्हाट आर है तो आर प्लूरल बना के लिखा, तो इसलिए प्लूरल आर कॉल्ड लिखा, इज कॉल्ड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, है ना, व्हाट आर लिख दिया, आर मतलब प्लूरल, प्लूरल में आपको भी आंसर देना। तो द सोर्सेस ऑफ एनर्जी नॉन कन्वेंशनल क्या है, व्हिच आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड इन नेचर, नेचर में लगातार मिलते रहता है और रीजेनरेटेड मतलब फिर से इसको बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उसका क्या कहा, कुछ ओनली नेम देम, नाम लिखना है, तो सोलर एनर्जी नेम में लिख दिया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, कितना लिखते हैं, बहुत सारा एनर्जी है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही पर पॉज कर देते हैं और इस चैप्टर को भी, पर इसके बाद आपको अगर कोई डाउट दिखे, कोई डाउट मिले तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ, और तो कमेंट पढ़ूंगा, कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। दोस्त लोग को देखिए, बहुत सारे देखते हैं बच्चे खुद पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्त लोग को शेयर करने से क्या होगा कि आपके दोस्त लोग भी पढ़ेंगे तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक है।